Good morning, everyone. I, Professor Bhavita Kohli, De uh, Department of Biotechnology, ISR, IPS Academy, will like to pro uh, give you the lecture on Life Science Paper 1. Topic, today, uh, to prepare temporary stained glycerin mount of transfer section of stem of dicot and monocot plants. मतलब उसका क्या है कि टू हमें एक टेम्प्री स्टेन परमानेंट टेम्प्री स्टेन स्लाइड बनानी है ग्लिसरिन की जिस ट्रांसफर सेक्शन का के किसका डायकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स का व्हाट आर थिंग्स रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें जरूरत होगी सबसे पहले है मोनोकॉट एंड डायकॉट यंग स्टेम वॉच ग्लासेस वॉटर नीडल ग्लास स्लाइड्स कवर स्लिप जीरो पावर का ब्रश चाहिए होगा सफ्रेनिन का स्टेन मेलाकाइट ग्रीन का स्टेन ग्लिसरीन माइक्रोस्कोप और रेजर ब्लेड हमें सबसे पहले क्या करना है एक जनरल एक आउटलाइन दिया है फिर प्रोसीजर हम डिटेक्ट करेंगे कि हम एक सिंगल वॉच ग्लास लेंगे ट्रांसफर कर देंगे उस ग्लास वॉच ग्लास लेंगे जिसमें कि हम पानी से भरा हुआ जिसमें कि हम हमारा ट्रांसफर मटेरियल थिन जो थिन सेक्शन से उसमें ट्रांसफर कर सकें आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रनिन लेंगे वॉच ग्लास में पानी से भरा हुआ जिसमें कि हम अपने मटेरियल को दो से तीन मिनट के लिए कर सकते हैं फिर हम एक वॉच ग्लास और लगेगा जिसमें कि सादा पानी भरा हुआ होगा जिसमें एक्सेस टेन निकाल सकें फ्यू ड्रॉप ऑफ मेलाइट ग्रीन स्टेन उसको भी हम वॉच ग्लास में दूसरे वॉच ग्लास में डालेंगे और देन ड्रेन ऑफ फॉर द स्टेन फॉर एंड इट इफ नेसेसरी अब ये सब चीजों में हमने आपको दो बार टाइमिंग दिए हुए हैं थ्री टू फाइव मिनट्स एंड मेलाइट ग्रीन के बाद फॉर थ्री टू फाइव मिनट दीज टाइमिंग्स आर टेंटेटिव डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टेन वी आर टेकिंग तात्पर्य ये कि हमने ये जो स्टेन दोनों स्टेन और मेला का ग्रीन है इनके बाद हमने जो टाइम थ्री टू फाइव मिनट दिया है दैट मीन्स दिस टाइम डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टेन इफ थ्री टू फाइव मिनट वी हैव टेकन दैट द स्टेन हैज टू बी डाइल्यूटेड डायल्यूटेड स्टेन ले रहे हैं तो हम तीन से पांच मिनट ले रहे हैं और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड स्टेन लेते हैं देन ओनली फॉर अ मिनट इट्स इज सफिशेंट फॉर द स्टेन एक्सेस ये सब टाइमिंग इसलिए दिए गए हैं टाइमिंग्स आर गिवन ओनली बिकॉज द मटेरियल दिन में नॉट गेट ओवर स्टेन इट शुड गेट अप्रोप्रिएट स्टेन एंड देन ऑफकोर्स आफ्टर एवरी स्टेनिंग वी हैव टू ड्रेन ऑफ द एक्सेस स्टेन विद वॉटर वॉट आर द प्रोसीजर्स वी विल टेक टू टू थ्री मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग मटेरियल

ब्लेड और ब्लेड उसके परपेंडिकुलर राइट एंगल होना चाहिए और जो डिप ऑफ वी विल डिप द टॉप ऑफ द मटेरियल इन वाटर जब शुरू करने से पहले जब हम रेजर से स्टार्ट करना है काटना तो उसके पहले हमारा जो टिप है वो हमें पानी में डुबो के रखना चाहिए देन उसके बाद हम ट्रांसफर सेक्शन काटना चाहिए एज फास्ट एज पॉसिबल उसको हम काटने के बाद उसको वॉच ग्लास में हम ट्रांसफ़र कर दे जिसमें कि पानी उपस्थित पहले से है अब सबसे जो थिनेस्ट सेक्शन होगा मटीरियल ब्रश की हेल्प सहायता से विद द हेल्प ऑफ द ब्रश हम उसको लेंगे थिनेस सेक्शन हाउ वी विल डिसाइड की वी विल टेक द मटेरियल द सेक्शन विच इज फ्लोटिंग ऑन द वॉटर जो मटेरियल पानी का है ऊपर सबसे ऊपर तैर रहा है हम उस मटेरियल को लेंगे ब्रश की सहायता से जीरो पावर ब्रश इसका यही ये यह यूज होता है और हम नीडल से या किसी और फॉरसअप से नहीं उठाएंगे ये प्रिकॉशंस हमें लेने हैं टेक द क्लीन वॉच ग्लास विद वाटर हमें तीन जो क्लीन वॉच ग्लास है पानी से उसको लेना है उसके ट्रांसफर सेक्शन जो हैं उसको मटेरियल जो ट्रांसफर सेक्शन जो हमने काटे हैं थिन सेक्शन मटेरियल के उसको लेना है Then, उसमें हम फ्यू डालेंगे वॉश ग्लास में डीविट फॉर थ्री टू फाइव ऑफ ऑफ और अब हम ये उसके बाद सेम ऐसा ही हम मेलाइड ग्रीन के साथ भी करेंगे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हम इसको क्यों कब करेंगे जब हमें इसको आ, जब है, कौन सा डायलूटेड होगा तो तीन से पांच मिनट हम रखेंगे Now after taking doing the staining procedure, staining procedure, procedure के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे उसको हम gliss, slide के ऊपर रखेंगे center ऑफ द slide स्लाइड के बिल्कुल बीचों बीच में and then अब उसके तुरंत हम उसके बाद एक glycerin तैयार रहेंगे की दो से तीन बूंदे हम डालेंगे ऊपर will put a drop or a two over the material एंड उसको कवर स्लिप से कवर करेंगे But बट विद देल्प ऑफ the नीडल सो दबल्स में नॉट कम एंड देन यू विल ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रो microscope after staining and mounting. ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है कि ये दो डा, डायकॉट स्टेम है जैसे एक मस्टर्ड का है और दूसरा वाला आपको बताया है कि ये जिया में इसके दो डायकॉट और मोनोकॉट स्टेम इस तरह से दिखते हैं अब ऑब्जर्वेशन हमारे डायकोट स्टेम के क्या होते हैं वो हम देखते हैं स्टेम के जो पार्ट्स हमें दिखेंगे इंटरनल पार्ट्स एपिडर्मिस कॉर्टेक्स और स्टील ये तीन मेजर पार्ट्स दिखेंगे कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस आउटर कॉर्टेक्स इनर कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का होगा स्टील पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल मेडुलरी रेस और पित्त का होगा ये इसका सेक्शनल व्यू है जब हम सेक्शन काटा है ग्रीन कलर से देखो बाहर एक हेयर्स uh, दिख रहे हैं ये हेयर्स में दिखेंगे कुछ प्लांट्स जो स्टेम होते हैं जो हेयर होते हैं उनमें हमें हेयर्स दिखेंगे तो इसलिए उसको एपिडर्मल हेयर क्या है देन आपको वो देखो एक इसमें आपको वो दिख रहा है ग्रीन कलर के रेक्टेंगुलर सेल्स दैट इज एपिडर्मिस उसके बाद हाइपोडर्मिस डॉट डॉट वाला देन पर्पल कलर का आपको कॉर्टेक्स है अगेन आपको वेवी दिख रहा है एक स्ट्रक्चर ऑरेंजिश कलर का दैट इज कॉर्टेक्स एंड्रोडर्मेज uh, फिर वैस्कुलर बंडल्स एंड देन पिथ ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है डाइकॉर्ट स्टेम का ये इस तरह से हम माइक्रोस्कोप में जब डालेंगे तो हमें इस तरह से हमको स्ट्रक्चर दिखेगा क्लियर टू एवरी वन ये है एपिडर्मल ये देखो क्यूटिकल सबसे ऊपर लेयर होती है क्योंकि स्टेम है तो स्टेम में इस बात का ध्यान होगा कि हमेशा ऊपरली लेयर क्यूटिकल की होगी टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सटर्नल वॉट डैमेज और वॉट देन रेक्टेंगुलर सेल्स दिख रहे हैं एपिडर्मिश के एपिडर्मिन कामा दिख रहा है हमें ग्रीन कलर केलर के सेल्स है उसमें डॉट dot डॉट्स लगे हुए देन क्लोरन कायमा पैरन कामा एंड फ्लोएम कैम्बियम साइलामेट पिथ यू कैन सी वेरी क्लियरली इन दिस दिस इज अन्ट सेक्शन जो हमने पहले देखा था नॉलेट कम टू द एपिडर्मिस वॉट एस एपीडरमेस इट इज द आउटर मोस्ट लेयर देखो आपको ऊपर यहाँ पे दिख रही है आउटर मोस्ट लेयर जो बिल्कुल रेक्टेंगुलर सेल्स है सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में पैर सेल्स है सिंगल लेयर्ड है क्लोजली पैक्ड है कोई इंटरसलर स्पेस नहीं है और उसकी जो टेंजेंशियल वॉल है अब टेंजेंशियल वॉल से क्या तात्पर्य है टेंजेंशियल वॉल मीन जो साइड की वॉल्स है वो थिक है देखो इसमें आपको दिखेगा कि जो साइड की वॉल्स है जो साइड की वॉल्स है वो थिक है और डिपॉजिटेड विद फैटी सब्सटेंसेस उसमें क्यूटिनस भी हैं है जो फैटी सब्सटेंसेस डिपॉजिट है और क्यूटिन अकर्स एज अ सेपरेट लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल सबसे ऊपरली लेयर दिख रही है अपने को वो एपिडर्मिस है और जो यंग एपिडर्मिस होगा उसमें हमें स्टोमेटा भी मिल सकते हैं स्टोमेटा क्यों मिलेगा क्योंकि ये यंग है ग्रीन है और रेस के लिए कॉर्टेक्स कॉटेक्स कैसा है इनर टू एपिडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे होगा फोर लेयर्स होती हैं हाइपोडर्मिस आउटर कॉर्टेक्स इनर कॉर्टेक्स और andodermis. ये देखो एपिडर्मिस सबसे ऊपर दिखा ये वो देख रहा, दिख रहा है यह हाइपोडर्मिस ब्राउन कलर का दिख रहा है एपिडर्मिस के बिल्कुल बिलो फिर आउटर कॉर्टेक्स इनर कॉर्टेक्स देखो आउटर कॉर्टेक्स ग्रीन कलर का दिख रहा है एकदम बीच में ग्रीन ग्रीन शेड्स आ रहे हैं फिर इनर कॉर्टेक्स और एंड्रोडर्मिस है हाइपोडर्मिस अब हम हाइपोडर्मिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं ये क्या होता है बिलो द एपिडर्मिस होता है चार से पांच लेयर का होगा और कोलन कैमेटस सेल्स होंगे कोलन कैमेटस सेल्स क्या होते हैं वो अपन आगे थोड़ा सा बता देंगे आपको या इसी में भी है दी सेल्स आर ये जो कोलन कैमेटस सेल्स होते हैं ये थिक थिक वॉल थिकेंड होते हैं कॉर्नर से इंटरसेल्युलर स्पेस जो होती है वहां पे सेल्युलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है दैट मीन्स दोनों चीजें सेल्युलोज एंड पैक्टिन बोथ आर डिपोजिटेड एट बिटवीन द टू बिटवीन द स्पेसिस ऑफ द टू सेल्स द सेल्स आर लिविंग इन नेचर एंड मे कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट द सेल्स जो होते हैं इसके दे आर लिविंग एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट दे मे ऑल्सो बी कॉल्ड एस क्लोरेनकाइमा इट व्हाट इज इट्स फंक्शन इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी आल्सो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड दिस इज द डायग्राम व्हिच आई कुड लाइक टू शो यू दिस इज द एपिडर्मिस दिख रहा है कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस सबसे बड़ी बात देखो हाइपोडर्मिस सबसे क्लियरली दिख रहा है ये हाइपोडर्मिस रेड कलर में ऊपर देन कॉर्टिकल रीजन ये ग्रीन कलर का पैरन एंड्रोड क्लियर लार्ज राउंडेड और ओवल लिविंग पैरकटस सेल्स हैविंग इंटरसेल्युलर स्पेसिस द सेल्स ऑफ द कॉर्टिक्स कैसे होंगे क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है जो कि फूड मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है एंड द रिजर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंडोडर्मिस इट इज द सिंगल इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स विच सेपरेट द कॉर्टेक्स फ्रॉम वेस्कुलर बंडर क्या मतलब हुआ ये एक सिंगल लेयर होती है जो कि कॉटेक्स को कॉर्टेक्स uh, और वेस्कुलर बंडल के बीच में एक पार्टीशन का काम करती है ये देखो आपको इजीली दिख रही है मैंने डार्क कलर से हाईलाइटेड डार्क एंडोडर्मस जो रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच में सेल्स कैसे हैं सेल्स आर बैरल शेप एंड कॉम्पैक्टली अरेन्ज होते हैं सेलुलर स्पेसिस होगी और पैरकैमेटस होंगे और इनके जो रेडियल सेल्स होंगे साइड्स के जो होंगे वो थिक वो होंगे थिककि होंगे कि मोटे होंगे थोड़े से कई के लिए कैसे हो गए क्यों हो गए बिकॉज ऑफ लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और उसके कारण क्या होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन होता है पेरीसाइक इट लाइज बिटवीन एंड बंडल्स ये एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होता है जनरली ये सेल्स भी होते हैं और अब ये क्या होता है और ये? ये आगे आपको बता देंगे द स्लेरन कैमेटस इज इन फॉर्म ऑफ सेमिलर पैचेस सेमिल्यूनर पैचेस मतलब कि आधे पैचेस लूनर के तरह में इस तरह से बने हुए होंगे द दुलर बंडल्स और ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को और जो पेर कैमीटर्स होते हैं ये बाहर की तरफ होते हैं और ये कई के लिए होते हैं मेडुलरी रेस के लिए को सपोर्ट करने के लिए और विच सर्व्स टू द स्टोरेज ऑफ फूड वेस्कुलर बंडल्स अब हम आते हैं वेस्कुलर बंडल्स की तरफ ये रिंग्स में अरेन्ज है ये आपको दिख रहा है कि एक और ये दूसरा रिंग में अरेज है सेंट्रल नीचे पेथ है अब दीज आर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन एंड वेज शेप्ड ये शायद शब्द होते हैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रल कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल का मतलब है कि इसमें ज़ाइलम और फ्लोयम ऊपर नीचे है दे आर वेज शेप्ड वेज शेप्ड होते हैं एंड साइज ऑफ द बंडल वेरीज फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज अब ये बंडल वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वो वेरी कर सकता है बंडल हैज अ पैच ऑफलम टूवर्ड्स अ सेंटर एंड पैच ऑफ फ्लोएम टूवर्ड्स दैरिफरी यहाँ आप देखिए इस डायग्राम में आपको ईजिली दिख रहा है कि देखियो फ्लोयम uh, जो है वो ऊपर की तरफ है ब्लू कलर और कैम्बियम आपको दिख रहा है उसके नीचे है जायलम जब फ्लोयम ऊपर की तरफ है जायलम नीचे की तरफ है दैट मीन्स इट इज अंजॉइंट कोलेट्रल बंडल दैट मीन्सम एंड फ्लोयम आर ऑन द सेम रेडिया Then, अब हम आते हैं पेरिफ्री पर, और फ्लोयम देखो ऊपर की तरफ है एंड्रोड की तरफ और ज़ाइलम जो है वो नीचे पिथ की तरफ मिल रहा है और दोनों के बीच में कैम्पियम है इसलिए इसे कहा जाता है ओपन वेस्कुलर बंडल दीज आर कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल वेरीज इन डिफरेंट हर एक में वेरी करता है चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फ्लोयम ये आपने अभी देखा था ब्लू कलर का दिखना था तो ये कैसे होते हैं दे आर पांच और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोयम पैरनकामा देन प्राइमरी फ्लोयम लाइज ट्यूबर्ट द पेरीफरी फ्लाइम प्राइमरी जो फ्लोएम होता है ये पेरीफरी की तरफ होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोफाइम एंड मेटाफ्लोएम ये प्रोटोफ्लोयम और मेटाफ्लोएम कहलाते इसमें दो तरह के के सेल्स होते हैं जो पेरिफेरी की तरफ होंगे वो प्रोटोफ्लोयम जो नीचे की तरफ होंगे वो मेटाफ्लोएम और फ्लोयम क्या, क्या क्या कंसिस्ट करते हैं सीव ट्यूब्स सीफ सेल्स एंड फ्लोयम कैमा फ्लोएम फाइबर्स आर एबसेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम अगर ये प्राइमरी फ्लोएम है दैट इज प्रोटोफ्लोएम है दैट मीनस इट विल नॉट फाइबर्स and conducts organic food from leaves to the plant body. This is ये देख सकते हैं आप phloem का condition xylem phloem इसका pith space then cambium अब xylem phloem के बाद आता है cambium ये दोनों के बीच की दूरी को xylem और phloem दोनों के बीच को ये डिफ्रेंशिएट करता है स्ट्रिप्स होती हैं मैरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं मैरिस्टेमेटिक सेल्स से क्या मतलब है कि मतलब ये है कि ये वो सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे इनमें न्यूक्लियस होता है डेंस आइटोप्लाजम होता है एंड दे आर सो दे आर कॉल्ड एज फेसिकुलर कैम्बियम मतलब इसका बड़ा न्यूक्लियस हो तो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है सेकेंडरी ग्रोथ होगा प्लांट की ग्रोथ होगी और प्लांट में थिकनेस जो आएगी वो कैम्बियम के कारण ही आएगी अब हम आते हैं जाइलम। आपको उस फिगर में मैंने दिखाया था पिछले फिगर में कि जाइलम, फ्लोयम और जाइलम के बीच में कैम्बियम था कैम्बिक फ्लोयम पढ़ लिया कैम्बियम एंड देन वी कम टू जाइलम ये सबसे ज्यादा ये जाइलम कहा मिलेगा

सेंटर प्रोटोसाइलम जो है वो हमें सेंटर की तरफ मिलेगा और जो मेटासाइलम है वो टुवर्ड्स पेरीफरी मिलेगा दैट मींस प्रोटोसाइलम जो है वो कहाँ पर मिलेगा हमें टूवर्ड्स द सेंटर नीचे की तरफ टुवर्ड्स पित और टूवर्ड्स एंडोडर्मिस हमें या एपिडर्मिस की एंडोडर्मिस uh, की तरफ हमें क्या मिलेगा मेटासाइलम ये जो कंडीशन होती है जब मेटासाइलम जब मेटासाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा ऐसी कंडीशन को कहते हैं एंडार्च जाइलम इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ सैप सैप्त अब हम आते हैं इसका लास्ट पार्ट दैट इज पित्त इट ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्टेम स्टेम की सेंट्रल पोजीशन होती है थिन वॉल्ड होते हैं पॉलीगोनल होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है एंड फूड इज स्टोर्ड इन दिस रीजन अब आता है इसका एक क्योंकि स्टेम है इसलिए इसके अंदर हमें मिलेगा मेडुलरी रेज ये मेडुलरी रेज होते हैं दीज आर थिन वॉल्ड एक तो थिन वॉल्ड होते हैं रेडियली रेडियोली होते हैं है, और सबसे बड़ी बात है ये दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाए जाते हैं और ये सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ होकर जब सेकेंडरी और सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनता है ये मेडुलर इेज के उधर ही बनता है दीज स्टोर फूड मटीरियल एंड हेल्प इन इंटरनल ट्रांसफोर्शन ऑफ वॉटर मोनोकॉड्स अब हम आते हैं हमने ऐसे ही सेक्शन लेते हैं मोनोकॉट monocot, का मोनोकॉट्स वन क्वार होता है यूजुअली पैरल लीव्स होती हैं, मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं और उसका अरेंजमेंट स्कैटर्ड होता है अब हम इसके बारे में देखते हैं टिश्यू सिस्टम इसमें भी डर्मल टिश्यू सिस्टम सेम वैस्कुलर सेम टिश्यू सिस्टम होता है इस तरह से ये सेक्शन कटिंग लेते हैं तो उसका सेक्शनल व्यू इस तरह से दिखता है डर्मल टिश्यू ये वही सिंपल सेम एज लाइक एपिडर्मिस आउटर एपिडर्मिस होता है पैरकैमेटस सेल्स होते हैं बिल्कुल डाइकॉट की तरह ही होता है थिक आउटर क्यूटिकल होगा सिलिसिफाइड होगा हेयर्स मे भी प्रेजेंट और यूजुअली एबसेंट फंक्शंस क्या है एपिडर्मिस का एपिडर्मिस का फंक्शन यह है कि इसके अंदर फ्यूज टोमेटा होते हैं और इसका फंक्शन यह है कि बाउंड्रीज को लिमिट करता है कंडक्शन करता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन सिलिका डिपोजिशन होता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है देन क्रिटिकल प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस ग्राउंड टिश्यू मल्टीलेयर्ड एस क्लोरन सेल्स होता है देन ऑल्टरनेट पैच ऑफ क्लोरन कैमा मे बी प्रेजेंट दे मे नॉट बी प्रेजेंट और मे बी प्रेजेंट बिलो द क्लोरन कामा हाइपोडर्मस इज कंटिन्यूस दैट मीन्स अ एपिडर्मिस के जस्ट बिलो तो कुछ सेल्स होते हैं स्क्लेर एंड कैमेटन दैट इज सेल्स और उसके बाद हमें क्या मिलेंगे कुछ पैचेस मिलेंगे क्लोरन कैमेटस सेल्स के और इन्हीं के बीच में हमें मिलेगा वेस्कुलर बंडल्स जो एम्बेडेड होंगे ओके ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यू जो होता है कॉर्टेक्स का बना होता है डायकॉट हाँ और मोनोकॉट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि यहाँ पे हमें डिफरेंस नहीं मिलेगा ग्राउंड टिश्यू में कंटिन्यूस होता है अनकोटिक्स पारन कॉमेटस होगा सेल्स लार्ज और सर्कुलर होंगे और लूजली पैक्ड होंगे इन एक्वेटिक मोनोकॉर्स एरनकामा में भी प्रेजेंट और एक्वाटिक है तो एरन कैमा दैट मीन एयर का मतलब होता है जहाँ पे कि एयर स्पेसिस प्रेजेंट फॉर बॉयंसी बॉयंसी मतलब फ्लोट करने के लिए उसके अंदर वो वो जगह छोड़ी जाती है इन सम प्लांट सेंट्रल पोर्शन इज हॉलो और जैसे कि व्हीट है या राइस है इसके जो बीच का सेंट्रल पेत होता है वो हॉलो होता है एंड फॉर देन जमेंट इन द कॉटेक्स देन दे आर लार्ज शोज डिफरेंट साइजेस आउटर रीजन इज स्मॉलर इनर रीजन इज लार्जर दे आर कॉन्जॉइंट कोलैट्रल एंड क्लोज अब क्या मतलब हुआ कॉन्जॉइंट कोलैटरल मतलब कॉन्जॉइंट को मतलब मेटाजाइलम ऊपर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ होगा और क्लोज्ड है दैट मींस कैम्बियम बेस एबसेंट दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डायकॉट एंड अ मोनोकॉट वेस्कुलर टिश्यू दैट मींस इट द कैम्बियम बेस एबसेंट इन दिस मोनोकॉट ये देखो जाइलम कैसा दिख रहा बड़े बड़े वेसल्स दिख रहे हैं दो बड़े बड़े एंड uh, जाइलम और प्रोटोसाइलम आप देख सकते हो अरेंज टूवर्ड्स द पेरीफरी सॉरी टूवर्ड्स द सेंटर और जो मेटासाइलम है दे आर टूवर्ड्स द एक्सटीरियर ठीक है देन कैम्बियम इज एबसेंट देन मेटासाइलम कंपोज ऑफ टू लार्ज वेसल्स होते हैं पिटेड वेसल्स होते हैं देन दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म लाइसिजिनस कैविटी प्रोटोसाइलम दे आर कंसिस्ट ऑफ लेक्यूना दैट इज प्रोटोजाइलम कैविटीज तो इसलिए बड़ी कैविटी आपको दिख रही है यहाँ पे बड़ी बड़ी कैविटीज ये है प्रोटोजाइलम कैविटी फिगर में भी दिख रहा है मैटाजलम छोट कि और फ्लोएम ऊपर दिख रहा है कितने क्लियरली और बंडल शीत सेल्स दिस इज द ग्लोसरी दिस इज द्लांट टिश्यू सपोज द कंपोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हार्ड वुडी सेल्स मेच्योर Then parenchymatous cells, meaning kya hai inka? Uh, cells having distributed having uh, the uh, between the intercellular spaces are there. Colchyma, they, they are only present in the root in the stem to provide the support uh, made up of pectin and cellulose, cuticle, they are just protecting the uh, film over the epidermis, either in the leaf or shoots.

the temporary stain slide glycerin mount slide of dicot stem and monocot stem up the the things required safranin the color which we have to do <laughs> इसके बाद हमें लगेगा दूसरा स्टेन जो है मेलेकाइट ग्रीन इसको कि कुछ लोग फास्ट ग्रीन कहते हैं कुछ लोग मेलेकाइट ग्रीन दोनों वर्ड एक ही हैं ये मेलेकाइट ग्रीन इसको हम ये इस तरह से दिखेगा हम जब डाइल्यूट करेंगे तो इम्पोर्टेंट थिंग्स डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टैम वाटर्स डाइकॉट स्टेम ये देखिए आपको बहुत अच्छे से दिखेगा इसमें आपको वेनेशन कैसे दिख रही है रेटिकुलेट वी कैन सी द रेटिकुलेट वेनेशन ओवर इन द लीव दिस इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर द डायकॉट प्लांट ऑफकोर्स विद द रूट ऑल्सो वी कैन सी बट इफ़ वी आर टेकिंग कैन नॉट टेक आउट द रूट एवरी टाइम सो विद द हेल्प ऑफ द लीव हर वक्त जब हम रूट नहीं निकाल सकते हैं तो हम ये इस लीव की मदद से हम जान सकते हैं जिसमें रेटिकुलेट वेशन दिख रहा है और ये कहलाता और इसकी लीज कैसी है ब्रॉड है और ये कहलाती है डायकॉट लीफ ठीक है प्लांट ऐसे ही हम एक ऐसा मोनोक्रॉट प्लांट है ये देखिए ये मोनोकॉट है मोनोकॉट में आपके क्लियरली दिख रही है ये पैरेलल वेनेशन हम इजीली देख सकते हैं ये देखिए पैरेलल वेनेशन लीफ नैरो हैं ये देख सबको इजीली दिख रहा है ये कैसे पैरेलल एक दूसरे के पास में है ये पैरेलल वेनेशन वॉच ग्लासेस टू कीप द वाटर एंड वॉच ग्लासेस फिल्ड विद वाटर दिस वे वी विल कीप द वाटर फोर्सिप to lift the some to lift the material. then we require cover slips to mount then the slides this slide this is a slide where we will place our section section हम यह mount करके इसके बीचों बीच में यहाँ पे बीचों बीच में रखते हैं ये जो बीचों बीच में यहाँ रखेंगे यहाँ हम ये से स्लाइड किया फिर जीरो पावर ब्रश एंड द नीडल द रोल ऑफ द नीडल इज टू ओनली टू फॉर माउंटिंग पर्पसेस नथिंग मोर देन दैट द मेन रोल ऑफ इज ऑफ नीडल ये जीरो पावर ब्रश ज़ीरो पावर ब्रश है इसका मेन रोल है ओनली फॉर लिफ्टिंग द मटेरियल सेक्शंस जो हम सेक्शंस काटेंगे उसको लिफ्ट करने के लिए हमें ये ब्रश का ज़रूरत पड़ती है और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेवन ओ क्लाक ब्लेड सेवन ओ क्लाक या कोई भी ऐसा ब्लेड ले सकते हैं जो इस तरह का का होता है अब हमें इस ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी और ये ब्लेड कैसा दिखेगा इस तरह से ये राइस ये ब्लेड ठीक है ये ब्लेड इसके अंदर आता है हमें इस ब्लेड को यूज़ करना है इसके लिए सेक्शन कटिंग के लिए अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द ग्लिसरॉल इसके अंदर ग्लिसरॉल है ये ग्लिसरॉल हम यूज़ करेंगे कह के लिए माउंटिंग के लिए जब स्लाइड पे हम मटेरियल रखते हैं उसके बाद हम इसको माउंटिंग करते हैं सबसे पहले अब हम सेक्शन कटिंग करना जब हम शुरू करते हैं तो हम मटेरियल को फोर्सअप से लिफ्ट करते हैं और इसमें डालते हैं अपने पानी में हमेशा मटेरियल हमारा पानी में डूबा हुआ होना चाहिए डिप्ड होना चाहिए क्यों क्योंकि इसमें डिप्ड रहने से एयर बबल्स नहीं आते हैं और एयर बबल्स हम क्यों नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर एयर बबल्स आ जाएंगे तो हमें सेल्स का एक इल्यूशन हो जाता है वहाँ वो सेल है या एयर बबल है तो एयर बबल्स नहीं होने चाहिए जहाँ तक बने कोशिश ये होना चाहिए 99% हमारे एयर बबल्स नहीं आने चाहिए सेक्शन कटिंग करते समय हम रेज़र ब्लेड लेंगे इस रेजर ब्लेड को पानी में थोड़ा सा डिप करके रखते हैं सो दैट इस रेज़र के ऊपर पान पानी आ जाए अब हम ये मटेरियल इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में इस तरह से रखते हैं और परपेंडिकुलरली हम ये ब्लेड को रखते हैं अब ब्लेड को ऐसा रख के सीधा वी विल मूव द ब्लेड सो दैट हमारे जिससे कि बहुत थिन सेक्शन आ जाए सभी लोग अपने घर में सलाद काटते होंगे ककड़ी टमाटर प्याज सलाद गोल गोल काटते हैं बस वैसे ही करना है उसमें थोड़ा मोटा होता है इसमें बहुत बारीक होता है और हमें इसको आरी के रूप में नहीं चलाना है सिर्फ इसको ब्लेड को मूव करना है बस ब्लेड मूव करते जाएंगे, ये अपने आप सेक्शन आ जाएगा ये देखिए जब सेक्शंस आ गए हैं इसमें हमने दो चार सेक्शंस ले लिए हैं अब हम इस सेक्शन को इसकी पानी में डाल देंगे डिजोल्व कर क्लियर ब्लेड को अपार्ट रख देंगे इस सेक्शन को मैंने इस पर रखा क्योंकि मेरी विजिबिलिटी के लिए आप अपनी विजिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं अब इसमें हमें ये देखना जो सबसे थिनेस्ट सेक्शन होगा ये है जो ऊपर तैर रहा होगा इस थिनेस्ट सेक्शन को लेके हम हाँ सेफ्रनिन में डिप करेंगे वी विल डिप इट इन द सेफ्रनिन अब सेफ्रन इन में अब बात आती है कितनी देर तक रखना चाहिए अगर कौन सा जैसे ये ज़्यादा डाइल्यूटेड नहीं है तो वन मिनट इज सफिशेंट वन टू टू मिनट इज सफिशेंट बट अगर ज़्यादा डाइल्यूटेड है देन टू टू थ्री मिनट्स हमें इसको इसमें डिप रहना चाहिए क्यों क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लें सेफ्रन इंच और सेफरेनिन कलर हमने स्टेन क्यों सेफरेनिन स्टेन ही क्यों चूज़ किया है इसका रीज़न ये है कि प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सेफ्रेन स्टेन ही एब्जॉर्ब करते हैं तो सेफरेनिन स्टेन से हमने इसको डाल दिया है क्योंकि ये कॉन्सनट्रेटेड था अब हम इसको पानी में जाके डाइल्यूट करेंगे अब हमने क्या किया एक्स्ट्रा स्टेन ना रहे तो हमने इसको पानी में इसको धो लेंगे वॉश कर लेते हैं एक्स्ट्रा स्टेन वॉश हो गया है अब हमने इसको लिया अब हम इसको ग्रीन वाले में डाल दिया मेला काइट ग्रीन में फिर से उसको हम पानी में डालेंगे और एक्स्ट्रा स्ट्रेन इसका निकाल देंगे ये एक्स्ट्रा स्ट्रेन निकालने के बाद हम हमारी स्लाइड लेते हैं क्लीन स्लाइड लेते हैं इस क्लीन स्लाइड के ऊपर हम इस मटेरियल को डालने से पहले हम ग्लिसरीन डालते हैं जिससे कि इसमें जितने भी अगर एयर बबल्स हों तो हम एयर बबल्स को इस नीडल्स के द्वारा नीडल्स के थ्रू हम उसको पोर करते जाते हैं एयर बबल्स को निकाल देते रिमूव कर देते हैं इसको हम मटेरियल को स्लाइड पर प्लेस करेंगे एन इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ अब हम ये ग्लिसरीन लिया है इस ग्लिसरीन देन अब हम इसको ये कवर स्लिप लिया है अब इसको ध्यान रखना है 45 डिग्री एंगल पर ही रख के धीरे धीरे करते जाएंगे छोड़ते जाएंगे सो so दैट कि इसमें ये इवनली स्टेन स्प्रेड हो जाए ग्लिसरीन और ये ध्यान रखना है एक्सेस ग्लिसरीन ना हो एंड दिस इज़ हाउ आर स्लाइड्स आर रेडी फॉर टू व्यू इन द माइक्रोस्कोप अब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमारी ये स्लाइड तैयार हो गई है और ये ध्यान रखना चाहिए जब हम माउंट करते हैं ग्लिसरिन एक्स्ट्रा बाहर ना आए अगर आ जाए तो फिल्टर पेपर या फिर जैसे ये फ़िल्टर पेपर है मैं फ़िल्टर पेपर का एक पार्ट ले कर दिखाती हूँ ये फ़िल्टर पेपर एक्स्ट्रा है तो इस फिल्टर पेपर को यहाँ पर ऐसा रख देते हैं जैसे एब्जॉर्बमेंट के तौर पर या कॉटन रख सकते हैं या टिश्यू रख सकते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा जो है ग्लिसरीन वो वाइप आउट हो जाए इस तरह से हमारी ये स्लाइड तैयार हो गई अब नाउ वी कैन सी इट इन द माइक्रोस्कोप अब माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम 4x पे, 10x टेन एक्स पे देखते हैं 4x या 10x एक्स पर देखेंगे एंड देन हम उसको अगर डिटेल स्टडी के लिए हम 40x माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ करते हैं ये डाइकॉट स्टेम है इस डायकॉट स्टेम का हमने सेक्शन काटना है सेम वही मोनोकॉड जैसे प्रोसीजर इसको हमने ब्लेड पे पानी ले लिया है अब हम इंडेक्स फिंगर यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली और अंगूठे के बीच में दबा के रखते हैं और अब हम इसका सेक्शन काटना शुरू करते हैं ऐसे हम बहुत सारे सेक्शंस काट के रख लेते हैं ज़्यादा मतलब यह उतना ज़्यादा सेक्शंस लेने का कि बेस्ट मिल जाए हमें अब हमारा ब्रश का है ये रहा ब्रश इस ब्रश की हेल्प से हम इसमें अलग वाली पेट्री डिश में उतारा है सो दैट कि हमारा अलग से हमारा पहचान बन जाए अब एक्स्ट्रा जैसे ये है इसको हम लिफ्ट करके इसमें डाल देते हैं अब हम ये देखेंगे आप देखो इसमें सबसे जो ऊपर तैरता हुआ होगा ये तैर रहा है इसका मतलब ये सबसे पतला है ये हमने स्टेनिंग के लिए डाल दिया है हो सके तो दो दो डाल देंगे हम एक और कोई देख लेते हैं पतला होगा तो अगेन हमने इसको सेम वही मेथड से इसको हमने इसमें रखा है दो से तीन मिनट एक से दो मिनट के लिए एक्स्ट्रा स्टेन रिमूव कर दिया हमने देन अब हम इसको ग्रीन में डाल देंगे We will keep for two to three minutes. बस हमेशा ये ध्यान रखना है हमारा जो वर्किंग टेबल है वो थोड़ा सा जितना नीट हो सके कर रखें और ग्रीन में हमें उतना ही टाइम देना जितना जरूरी है ज्यादा ओवर स्ट्रेनिंग ना हो भी ऐसे ना देखिए बहुत बारीक होते हैं तो नहीं देखते तो आपको लिफ्ट करके भी आप देख सकते हैं अब ये इसका एक्स्ट्रा वो निकल गया है अब हम इसको क्या करेंगे इसको रखने से पहले हम स्लाइड को क्लीन करते हैं टिशू से क्लीन हमारी ऑलरेडी क्लीन स्लाइड है अब हम इसमें ये ग्लिसरॉल डालेंगे दो से तीन बूंद डाल एक से दो बूंद या तीन बूंद डालते हैं डिपेंड करता है कितनी मोटी बूंद आ रही है कितने मोटे ड्रॉप्स आ रहे हैं फिर इसको ऐसे ये लेके और अगर इसमें हमें वो दिख रहे हैं बबल्स तो हम ये नीडल ले लेते हैं नीडल से हम इसको ऐसे ऐसे टैप कर देते हैं सो दैट कि एक्स्ट्रा बबल्स निकल जाए ये निकल गए अब हमने क्या किया है इसको इस पर माउंट करते हैं ठीक है ऐसे माउंट कर दिया जाता है माउंट करके अब कवर स्लिप इस तरह से एंगल पे बिछाई जाती है 45 डिग्री एंगल पे हम इसको इस तरह से ये ऐसे पकड़ के ऐसे लगाई जाती है इस तरह से हमारी ये स्लाइड बनके तैयार हो गई है डायकॉट और मोनोकॉट अब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखना है ये हमारा बाइनोक्यूलर लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें सबसे नीचे देखेंगे कि जो नीचे लाइट सोर्स। इसके अंदर यहाँ लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स के ऊपर यहाँ पे ये देखेंगे स्टेज है स्टेज के यहाँ पे नीचे कंडेंसर लगा हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी पावर है एक फ़ोर एक्स है फोर एक्स में तो हमें पूरा एक राउंड व्यू मिलता है पर टेन एक्स में हमें एक इसका सेक्शनल व्यू मिलेगा एक और होता है फोर्टी एक्स फोर्टी एक्स का मतलब होता है कि फोर्टी टाइम्स फोर्टी थाउजेंड टाइम्स उसका मैग्नीफिकेशन है फोर्टी थाउजेंड टाइम्स में अब आप हमको अगर कोई सेल्स के बारे में डीप स्टडी करनी है कि सेल्स कैसे दिखते हैं कैसे होते हैं तो हमें इस फोर्टी एक्स के द्वारा हम देख सकते हैं हम एक एक सेल की स्टडी कर सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड हाउ टू स्टडी इन द माइक्रोस्कोप